नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आप लोगों के अपने चैनल में। मैं रुद्र, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा आज का वीडियो होगा एक बहुत ही बड़े गुड न्यूज़ और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जेएसडब्ल्यू एनर्जी रिलेटेड बहुत बड़ा एक गुड न्यूज़ मेरे पास है और मैं आपके साथ ये शेयर भी करूँगा। लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं आपको ये इन्फॉर्म करूँगा कैसे ये शेयर एक टाइम पर आज 4% से भी ज़्यादा ऊपर चला गया था और क्लोज होते होते मार्केट ये 3% से भी ऊपर बंद हुआ है। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सिटी बैंक बहुत एक अच्छा रेटिंग दिया है, बाय रेटिंग बरकरार रखा है। साथ ही साथ जो टारगेट प्राइस है 178 का है, आज ही 170 के आसपास कंपनी चला गया था। और साथ ही साथ कुछ अच्छी बातें भी कही है, जैसे कि पहले कंपनी जो ग्रोथ ला रही है रिन्यूएबल्स की थ्रू बहुत ही बढ़िया एक पॉजिटिव की ओर जा रही है। साथ ही साथ जो कंपनी का कैश फ्लो है वो बहुत हेल्दी है। साथ ही साथ जेएसडब्ल्यू एनर्जी पिछले कुछ क्वार्टर में जितने सारे एक्विजिशंस किया है, मतलब दूसरे सारे पावर कंपनीज़ को खरीदा है वो बहुत ही अच्छे प्राइस पे, इससे कंपनी वेल सिचुएशन पे अभी है। और साथ ही साथ कंपनी रिन्यूएबल प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है और जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं दे रहा है, मतलब कॉस्ट कटिंग मेजर्स कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है। साथ ही साथ कंपनी का जो बैलेंस शीट उभर के आया है फोर्थ क्वार्टर में बहुत ही बढ़िया, और पूरा FY21 ही जेएसडब्ल्यू एनर्जी के लिए बहुत ही बढ़िया था। साथ ही साथ जो कंपनी प्लान कर रही है फ्यूचर के लिए बहुत ही बढ़िया एक हेल्दी ग्रोथ की तरफ मोमेंटम बना रही है कंपनी का, और कंपनी का जो वैल्यूएशंस है वो लगातार ऊपर जाता जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों आप देख सकते हैं, आज ही एक बहुत ही बढ़िया एक रिपोर्ट पब्लिश किया था ब्लूमबर्ग क्विंट का जेएसडब्ल्यू एनर्जी के ऊपर, और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ बहुत बढ़िया एक व्याख्या दिया था उसमें। मैं आपको एक वीडियो में पूरा तो नहीं दिखा सकता, लेकिन सबसे बढ़िया जो बात कंपनी ने कही है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है कैपेक्स साइकिल, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल कंपनी ने कमेंस मतलब शुरू कर दिया है। एक कंपनी जब भी बहुत बढ़िया ग्रोथ की ओर चलता है तभी कंपनी क्या करती है, एक्विजिशंस करती है, अपना जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाने की कोशिश करती है नेचुरली अननेचुरली, और उसमें कंपनी को एक्सपांशन के लिए पैसा ज़रूरत होता है, इसी के लिए कंपनी क्या करती है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक बहुत ही पॉजिटिव साइड है। तो ये सारी चीज़ें कंपनी को बहुत ही फेवरेबल जगह पे लाती है और मार्केट इस बात को आज समझ गया, इसीलिए 4% से ऊपर आज ही बढ़ गया। और लास्ट वन मंथ में 50% के आसपास, लगभग 50% के आसपास बढ़ गया। आप सोच के देखिए, एक पावर कंपनी एक महीने के अंदर 50% के ऊपर चला जाता है, तो आप सोच सकते हैं कंपनी कितना स्ट्रांग अभी फिनेंशियल शो कर रहा है अपने बैलेंस शीट पे। साथ ही साथ बिजनेस लाइन का एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल आया है, और इस आर्टिकल में इंटरव्यू लिया गया था प्रशांत जैन सर का, जो MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जेएसडब्ल्यू एनर्जी। दोस्तों जो सबसे बड़ा बात उन्होंने कहा है कि डेट तो वो घटा रहे हैं, साथ ही साथ 75,000 करोड़ का उनका एक मेगा इन्वेस्टमेंट प्लान रेडी है, और ये जेएसडब्ल्यू एनर्जी को पावर सेक्टर में बहुत आगे लेके जाएगा। कंपनी साथ ही साथ जोर दे रही है जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से स्टेट रिलेटेड प्राइवेट रिलेटेड सबसे पैसा जो उनका बाकी था ड्यू था वो घटाने के, देखिए 38% घटा है और ये 1300 करोड़ के आसपास है, मतलब कंपनी अपने रिसीवेबल्स के ऊपर भी बहुत बढ़िया जोर से काम लगा रही है। और साथ ही साथ कंपनी फोकस कर रही है ग्रीन एनर्जी के ऊपर, क्योंकि कंपनी का फोकस ही है फ्यूचर एक्सपेंशंस पूरा ग्रीन एनर्जी के ऊपर निर्भर होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जब उनसे पूछा गया था एक्सपेंशन प्लान के ऊपर उनका क्या बात है, उन्होंने कहा हम बहुत ही एक मेगा प्लान बनाया है, 20 गीगावाट तक कंपनी बढ़ाएगी FY30 मतलब फिनेंशियल ईयर 2030 तक, और इसके लिए कंपनी को 75,000 करोड़ रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ कंपनी ने कुछ ही दिन पहले दिस क्वार्टर मतलब इसी क्वार्टर में एक पावर परचेस एग्रीमेंट भी साइन किया इसका जो पेरेंट कंपनी है जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ, 960 मेगावाट के आसपास का। और साथ ही साथ कंपनी का जो ग्रीन पोर्टफोलियो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, और 1260 मेगावाट पावर परचेस एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हो गया है। साथ ही साथ कंपनी का प्लान है FY23 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023 तक 2.5 मतलब 2.5 गीगावाट तक का ग्रीन पावर कमीशन करने का इनका प्लान है, और साथ ही साथ 2023 के जून तक 7 गीगावाट
पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी वाला एक कंपनी होने का, और साथ ही साथ इनका जो लक्ष्य है वो बहुत ही बड़ा है। जो अपना रिन्यूएबल पोर्टफोलियो है वो 33% से बढ़ा के 65% करने का इनका लक्ष्य है, और हर साल 2 गीगावाट तक का इनका प्लान है पावर प्रोडक्शन को बढ़ाने का। दोस्तों जब इनसे पूछा गया था कि ये जो इतना बड़ा एक्सपेंशन होगा वो कहाँ से फंड करेगा, तो उन्होंने कहा 25 से लेकर 30% टोटल जो पैसा होगा वो इक्विटी के थ्रू वो लाएंगे, और बाकी जो 75 से 70 मतलब 75-70% बाकी वो डेट से, लोन से, एक्सटर्नल जगह से लेके आएंगे। और वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है अपने कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर। 2000 से 2200 करोड़ कंपनी लगातार हर साल प्रॉफिट कर रही है, और ये आगे बढ़ता जाएगा ये उनका मानना है। साथ ही साथ वो बहुत ही पॉजिटिव है अपने कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर, और उन्होंने ये भी कहा है कि डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का घट के 2 के आसपास आ गया है, और इसी समय जो पावर सेक्टर पावर इंडस्ट्री का एवरेज है डेट टू इक्विटी रेशियो का वो 5 के आसपास है। मतलब बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन पे है अभी जेएसडब्ल्यू एनर्जी डेट टू इक्विटी रेशियो के मामले में। साथ ही साथ कंपनी ग्रीन बॉन्ड्स वो भी इशू कर रही है। लास्ट क्वार्टर में भी कंपनी ने 710 मिलियन का ऑलरेडी कर दिया है, और आगे भी वो करेंगे, क्योंकि ग्रीन बॉन्ड बहुत ही सस्ता एक माध्यम है डेट का। मतलब आप बैंक से अगर लोन लोगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा, और सेम टाइम में अगर ग्रीन बॉन्ड इशू करके आप पैसे लाओगे ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको बहुत ही सस्ता वैल्यूएशंस पे लोन मिल जाएगा। दोस्तों साथ ही साथ उनसे जब सवाल पूछा गया था कि ये जो डोमेस्टिक पैनल बनाने का सरकार एक प्रोग्राम लाई थी PLI परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव, उससे क्या होगा, उससे क्या जो सोलर पैनल से उसका प्राइस घटेगा, तो वो बहुत ही एक पॉजिटिव रिप्लाई दिया है और कहा है ये आज से नहीं होगा, ये काम अभी शुरू हो रहा है, 3 से लेकर 5 साल लगेगी ये पूरा काम होने में, लेकिन हाँ उसके बाद जब डिमांड बढ़ेगा साथ ही साथ प्रोडक्शन भी ऊपर जाएगा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के माध्यम से, तब ये बहुत ही अफोर्डेबल सिचुएशन में आ जाएगा प्राइस। मतलब आज से 2-3 साल बाद बहुत ही सस्ते प्राइस पे आप खुद भी अपने छत पे सोलर पैनल लगा सकते हो। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरा क्वेश्चन लगा इस पूरा आर्टिकल का, जब इनसे पूछा गया एनी एक्सपेंशन प्लान्स ऑन द थर्मल साइड, मतलब कोयले के ऊपर कोल पावर के ऊपर क्या आपका कोई एक्सपेंशन प्लान अभी है आपके दिमाग में, तब उन्होंने बहुत बढ़िया एक आंसर दिया, हमारा कोई भी प्लान नहीं है थर्मल पावर कैपेसिटी को बढ़ाने में, एकदम सीधा सीधा जवाब था। और जो पुराने हैं यूनिट थर्मल पावर के वो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, पावर परचेस एग्रीमेंट जो पहले से ही वेरियस स्टेट्स के साथ साइन हुआ है वो वैसे ही चलेगा, लेकिन हम ज़्यादा और कुछ नहीं इन्वेस्ट करेंगे थर्मल पावर के ऊपर, ये इनका साफ साफ एक बात था। और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो बात था, कंपनी सबसे बड़ा जो काम करेगी अपना पोर्टफोलियो के ऊपर, मतलब इनका जो पावर टोटल जनरेट हो रहा है उसका अभी प्रेजेंट 35% आ रहा है ग्रीन पावर से रिन्यूएबल एनर्जी से, और ये बहुत ही एक मेगा प्लान है, दुगना करने का इनका प्लान है, 70% तक ले जाने का इनका प्लान है FY25 तक, मतलब फिनेंशियल ईयर 2025 तक, और 85% ले जाने का इनका प्लान है FY30 तक। और साथ ही साथ ये जो ग्रीन एनर्जी का एक्सपेंशन है वो 13 गीगावाट तक जाएगा, मैंने वीडियो के पहले भी कहा था कि कंपनी का 20 गीगावाट तक का ले जाने का प्लान है 2030 तक, उसमें से 13 गीगावाट आएगा सिर्फ ग्रीन एनर्जी के माध्यम से, और बाकी 4 आएगा रिन्यूएबल्स यानी कि विंड एनर्जी हाइड्रो एनर्जी बाकी सब, ये तो हो गया 17 गीगावाट, और बाकी 3 जो होगा वो थर्मल यानी कि कोयले से। आप सोच के देखिए ये कंपनी जितना प्लान किया है उसका अगर 60-70% भी कर देता है, इसका जो अभी शेयर प्राइस है वो 3 गुना से भी ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, ये एक दिन में नहीं होगा 2 से लेकर 3 साल में ये ज़रूर होगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे हो, और ये गुड न्यूज़ सुन के आपको बहुत ही एक खुशी का माहौल हुआ हो। ऐसे वीडियो इसी चैनल पे फ्यूचर में भी पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।